अब देश में जीन्स कुंडली बनना संभव हो गया है। अभी तक ज्योतिष विद्या से बनाई जाने वाली कुंडली से व्यक्ति के भविष्य और बीमारियों की जानकारी ली जाती थी, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन अब यह काम जीन्स कुंडली करेगी, जो पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान की देन है। इससे पता चल सकेगा कि भविष्य में आपकी संतान को 1700 से भी ज्यादा किस्म के अनुवांशिक बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो सकती है। हमारी कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसे हम डीएनए आरएनए कहते हैं। यदि इन सारे पदार्थों को इकट्ठा किया जाए तो इसे हम जीनोम कहते हैं। देश की स्वास्थ्य सेवा में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जो लाखों करोड़ों बीमार लोगों के लिए भी वरदान के रूप में साबित हो सकता है। इंडिजन नाम से शुरू की गई इस परियोजना से भविष्य में न सिर्फ सटीक दवा देने में आसानी होगी, बल्कि भावी बीमारियों से भी लोगों का बचाव किया जा सकेगा। हर मानव कोशिका में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें माता पिता से विरासत में मिली सभी अनुवांशिक सामग्री या जीन्स शामिल होते हैं। इन जीन्स के द्वारा ही खास वंशानुगत विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। क्रोमोसोम्स में इन जीन्स की व्यवस्था सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है और किसी भी व्यक्ति के जीन्स के संयोजन को जीनोम कहा जाता है। इन जीनोम को डिकोड कर व्यक्ति विशेष में होने वाली बीमारियों का पता लगाना, उसका इलाज, साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव है। इसका फायदा ये होगा कि आज 50% ड्रग कैंसर में, साइकियाट्रिक्स में काम नहीं करते हैं, किसी के ऊपर काम करते हैं, किसी के ऊपर नहीं काम करते हैं। इस तरह की स्टडी अगले 2-4 सालों के अंदर, 5 साल के अंदर हमको ये इस तरह का टूल देगी कि आपको ड्रग देने के पहले हम एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट इतना महंगा नहीं होगा, वो 200-400 रुपये का टेस्ट होगा, 800 का होगा। उससे ये पता चलेगा कि आपको कौन सा ड्रग काम करेगा, कौन सा ड्रग काम नहीं करेगा। वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कई हज़ार लोगों की करनी पड़ेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, 100 लोगों को ये दवा ने काम किया और 300 लोगों को दवा ने काम नहीं किया। हम दोनों का जीनोम करेंगे और देखें कि उन 100 के अंदर क्या कामन है, उन 300 के अंदर क्या कामन है। उसके बाद इसके बाहर आदमी को हम बता सकते हैं कि अगर आप वो 100 से मिलते हो तो आप ये दवा लो, 300 से मिलते तो ये दवा लो। एक जीन्स के स्थान और जीन्स के बीच की दूरी की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार की तकनीक को जीन मैपिंग कहा जाता है। अक्सर जीनोम मैपिंग का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा नए जीन्स की खोज करने में मदद के लिए किया जाता है। दरअसल जीनोम मैपिंग से 20 साल बाद होने वाली बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है, साथ ही वह बीमारी ना होने पाए उसके नुकसान से कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी पहले से ही शुरू की जा सकती है। इसे प्रिडिक्टिव चिकित्सा कहा गया है। इसके अलावा बच्चे के जन्म से पहले उसमें उत्पन्न होने वाले बीमारियों के जीन्स का पता भी लगाया जा सकता है और आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। बता दें कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका सही समय पर पता चल जाए तो उनकी क्यूरेटिव मेडिसिन विकसित की जा सकती है और व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। जो जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनकी कोई दवा ही नहीं है, वो दोनों पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट करके हम ये बताएंगे कि आपके चाइल्ड को, फ्यूचर चाइल्ड को डिजीज हो सकती है कि नहीं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो आप चाइल्ड की प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जरूर करें। अगर 25% चांस रहता है कि उसको डिजीज होगी, उसमें अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हेल्दी चाइल्ड है तो बॉर्न होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज़ के अकरेंस को। तो आज ये जो बेसिक काम हो रहा है, इससे अगले 5-10 साल के अंदर हमारा हेल्थ केयर फेस एकदम बदल जाएगा। जेनेटिक डिजीज़ को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे कि वो होगा ही नहीं, और लोगों को प्रिसीजन मेडिसिन मिलेगी, जो मेडिसिन आपको चाहिए। हाल ही में दिल्ली में इंडिजन परियोजना के तहत कराए गए देश के पहले संपूर्ण मानव जीनोम अनुक्रमण के पूरा होने की घोषणा की गई है। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने अप्रैल 2019 में इस परियोजना की शुरुआत की थी।
जैव चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए देश के विभिन्न जन समुदायों से 1400 रक्त सैंपल जमा किए गए, जिनमें से 1008 लोगों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया गया। इस अनुप्रयोग से मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा। जानलेवा बीमारियों और अनुवांशिक रोगों से निपटने की नई राह खुलेगी। इस अनुप्रयोग की सफलता से साबित होता है कि संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से मानव के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की क्षमता बायोमेडिकल विज्ञान के लिए प्रमुख गति प्रदान करेगी। विज्ञान से जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।